आत्म साक्षात्कार कैसे हो, तो इसके लिए मुख्य उपाय तो है जैसा कि पतंजलि योग में कहा, पांच नियम, पांच यम, पांच नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर अंत में समाधि में आत्म साक्षात्कार। इसके लिए जैसा कि कल बताया था, पहले देह शुद्धि हो, उसके बाद कर्मेंद्रियों की शुद्धि हो, फिर ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि हो और फिर मन की शुद्धि हो, फिर बुद्धि की शुद्धि हो और इसके बाद फिर आत्म साक्षात्कार। आत्मा का अर्थ है अमृत। जैसा कि कल बताया था, वेद ने आत्मा को, परमात्मा को अमृत कह के संबोधन किया है। अमृतस्य पुत्रः, आत्मा को अमृत का पुत्र कहा, अर्थात परमात्मा का। गीता में भगवान कहते हैं, मामयी वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममई वंशो, मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अमृत का अंश अमृत ही होता है। इसी सूत्र के हिसाब से तो आत्मा को भी अमृत कहा। तो योग में तो इस अमृत की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति जो बताया है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार, समाधि। और इसे मुख्य रूप से कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ब्रह्म का अर्थ यहाँ है आत्म साक्षात्कार से, और राम का अर्थ है भगवान साकार रूप में उनका साक्षात्कार। तो ब्रह्म राम से नाम बढ़, वरदायक वरदान, रामायण सत कोटि महा लिए महेश जिय जान। तो ब्रह्म अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्मा से और परमात्मा से बढ़ करके प्रभु का नाम है। सर्वप्रथम हम नाम का साक्षात्कार करें। कैसे करेंगे नाम का साक्षात्कार? पहले संतों का संग करो, प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर उनके कथा प्रवचन सुनो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर जहाँ भी आपका मन साधना की भावना की मैचिंग हो, उन संत के चरण में अपने आप को शिष्य के रूप में शरणागत करें, उनसे नाम लें, दीक्षा लें, उसके बाद फिर नाम आदो श्रद्धा ततो साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया प्रारंभ होती है। और नाम जब, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जब से चाहे कोई आत्म साक्षात करना चाहे, चाहे परमात्मा का साक्षात करना चाहे, दोनों में उपयोगी साधन मुख्य रूप से कलयुग में नाम जाप है। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। तो सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो नाम जप, क्योंकि नाम एक कल्प वृक्ष है। नाम जप करते समय हम जो भी भाव करेंगे, जो भी चाह करेंगे, तो नाम कल्पतरु हमारी उस चाह की पूर्ति करेगा। आत्म साक्षात्कार की चाह रख करके निष्काम भाव से नाम जाप करेंगे तो इससे आत्म साक्षात्कार भी होगा, और जय भगवत साक्षात्कार की चाह रखते हुए निष्काम भाव से जब हम नाम जाप करेंगे तो ये कल्प वृक्ष नाम कल्पतरु है, ये हमको भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर, इसके कई उत्तर हो सकते हैं, कई प्रकार हैं आत्म साक्षात्कार के। और मुख्य तो यह है कि ये हम देहात्म बुद्धि को छोड़ करके, यहाँ तक कि आत्मा इंद्रियातीत है, देहातीत है, मनोतीत है, बुद्धि से भी आगे ज्ञानातीत है, इस प्रकार हम जय निषेध करते करते समाया का, और अंत में बुद्धि के द्वारा आत्म विचार करें, सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये वृत्ति हमारी सदा बनी रहे कि आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये विचार करना। कहा भी है, योगी पावे योग से ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार। कई जगह हमने पढ़ा, नानक के स्थान पर यहाँ सहजों का नाम भी एक जगह हमने पढ़ा है, तो यहाँ कहा कि योगी पावे योग से ज्ञानी लेह विचार, और सहजो पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार। तो कहा कि यहाँ ज्ञानी पावे ज्ञान से, अर्थात ज्ञान मार्ग है वो आत्म साक्षात्कार का, तो उसमें कैसे होगा कि योगी पावे योग से ज्ञानी लेह विचार, अर्थात ज्ञानी जो है वो ज्ञान बुद्धि का विषय है, और भक्ति हृदय का विषय है, और कर्मकांड हमारे देह का विषय है, इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का विषय है। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बात पूछी है, तो ये ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है और ज्ञान बुद्धि का विषय है, लेकिन प्रारंभ में इसमें बुद्धि काम करेगी, अंत में तो बुद्धि का भी निषेध होकर के व्यक्ति सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है,
अहम ब्रह्मस्मि के स्वरूप में, तो मैं ब्रह्म हूँ, ये जो बुद्धि वृत्ति करती है अंत में इस वृत्ति का भी लय हो जाता है और बसती है केवल आत्मा, केवल अहम की अनुभूति। शुद्ध अहम जो मायातीत ही आत्मा का स्वरूप है, यही वो अमृत है जिसके लिए वेद ने कहा अमृतस्य पुत्रः, अर्थात अमृत का अंश ये आत्मा है और परमात्मा अमृत के समुद्र है, ये एक एक बिंदु है आत्मा हमारी। तो हम आत्म साक्षात करें ज्ञान के मार्ग से और परमात्मा का साक्षात करें भक्ति के मार्ग से। तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान मार्ग पर चला जाता है और हृदय के द्वारा भक्ति मार्ग पर चला जाता है। और गीता में इसके बारे में कहा है कि ये जो अव्यक्त उपासना है, निराकार की उपासना है, ये जो ब्रह्म साक्षात्कार की जो उपासना है, आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की जो उपासना है, कि कहा कि क्लेशो दिक् तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदभिर वाप्यते। तो गीता में भगवान ने कहा कि कठिन रास्ता है, अव्यक्त विषक गति जो है बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। जब तक देह वदभिर वाप्यते, जब तक देहात्म बुद्धि है, जब तक देहाभिमान है, तब तक हम ये विचार कर ही नहीं पाते, बुद्धि से विचार प्रस्थिर हो ही नहीं पाती कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही सोहम तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इस पवित्र विचार को बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाते, देहात्म बुद्धि यदि हमारी है तो धीरे धीरे पहले हम अपना शुद्धिकरण तन का, कर्मेंद्रियों का शुभ कर्मों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों का प्रत्याहार के द्वारा और चिंतन के द्वारा, मन का और विचार के द्वारा बुद्धि का शुद्धिकरण जब तक न हो जाए तब तक बुद्धि इस ज्ञान पर स्थिर हो ही नहीं सकती। कहने सुनने के लिए तो बहुत बातें हम कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान वीर नारी नर कर ही ना दूसरी बात, वो खाली बातें हैं। बाकी जय जब तक शुद्धिकरण हमारे तन का, इंद्रियों का, मन का नहीं होगा, तब तक ये बुद्धि इस विचार पर कभी स्थिर नहीं हो सकती। और जब तक अहम अस्मि ये वृत्ति बुद्धि में नहीं आएगी, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार की, आत्म साक्षात्कार की हम सोच भी नहीं सकते। और मन की पवित्रता इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन तोरा मन दर्पण कहला, तो मन इस मन रूपी दर्पण में आत्मा का, परमात्मा का प्रतिबिंब सर्वप्रथम पड़ता है, वहीं से अध्यात्म की अनुभूति प्रारंभ होती है। और मन की शुद्धि का सबसे उत्तम और सरल जो उपाय है वो है नाम जप। इसलिए कहा है कि राम नाम की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।